बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन इस समय रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति 15 को होस्ट कर रहे हैं और शो में वो अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्से शेयर करते रहते हैं जो ऑडियंस के साथ साथ फैंस का भी खूब मनोरंजन करते हैं। हालिया एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अमिताभ बच्चन कंटेस्टेंट प्रतिष्ठा के साथ खेल शुरू करते हैं तो इस दौरान उन्हें पता चलता है कि प्रतिष्ठा तुलु कन्नड़ है और इसके बाद बिग बी बताते हैं कि उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन भी तुलु हैं। दरअसल गेम शुरू करने से पहले प्रतिष्ठा के पिता उन्हें उनकी मातृभाषा कन्नड़ में शुभकामनाएं देते हैं। वो उन्हें कुद्रे कहते हैं जिसका तुलु कन्नड़ में अर्थ घोड़ा होता है। इसका अर्थ जानकर एक्टर भी हैरान हो जाते हैं। प्रतिष्ठा का कहना था कि उनके पिता उन्हें कुद्रे यानी घोड़ा और कट्टे कहकर बुलाते हैं, कट्टे यानी गधा। ये सुनकर मिस्टर बच्चन हैरान रह गए। बिग बी ने कहा कि उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन भी तुलु हैं तो ऐसे में वो घर जाकर उन्हें बता सकते कि उन्होंने तुलु के दो शब्द सीखे हैं। साथ ही बिग बी ने कहा कि ये तुलु भाषा में है ना, बहुत धन्यवाद आपका, आज घर पर जाकर हम दो शब्द तो बोल ही सकेंगे क्योंकि बहुरानी ऐश्वर्या राय बच्चन जो है वो भी तुलु है, उनको तो ये बोल नहीं सकेंगे पर कहेंगे कि हमने दो शब्द सीखे हैं। तो शो के सेट पर बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपने छोटे भाई अमिताभ बच्चन के बारे में एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया और बताया कि उन्हें हमेशा उनको अपने छोटे भाई की शरारतों के लिए अपने पेरेंट्स से डांट सुननी पड़ती थी। फिलहाल अमिताभ बच्चन के खुलासे के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।